काफी अच्छी जा रही है जॉब मेरी। ये मैनेजमेंट हुई है सारी। मुझे कल का टास्क मिला हुआ है, मैं आपकी एडिटिंग देख के जाऊंगा। यार जी ये न्यू सेटअप ट्राई कर रहे हैं। मशहूर होने के बाद हमें मिला है घर से टिफिन भी, तो बंदे की रिस्पेक्ट होती है। चाय और पराठा। ये रहा इसका रूफ टॉप। पता नहीं यार ये लोग जो है ना कब आ जाएंगे। तो फिर घर वाले तो काम भी नहीं मुकते। मैं आज इतना खुश हूँ, मैं मतलब बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह क्या, मुझे बहुत ही एग्रेसिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार फिर आपको इस YouTube चैनल पर शामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए। तो आज के ब्लॉग में आपको शामदीद कहते हैं। अगर आपने मेरे ब्लॉग देखने हैं डेली, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज है हफ्ता और एक हफ्ता मेरा कम्प्लीट हो गया जॉब को भी, इंशाल्लाह कल है छुट्टी और काफ़ी अच्छी जा रही है जॉब मेरी। अच्छा तो अब चलते हैं ऑफिस के लिए, लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले हमने नाश्ता किया गोभी वाले पराठे, और नाश्ते में थे हमारे पास गोभी की रोटी। आह मजा आ गया, चस आ गई। तो लेट्स गो फॉर द राइड फॉर ऑफिस। चलो ऑफिस में पहुंच चुके हैं, लेट्स गो, काम शाम शुरू करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मुझे ये करना है कि जो अपनी वार्डरोब्स है ना उसको मैनेज करना, जो इसमें से तमाम चीज़ें हैं ना वो भी इसमें जाएंगी और इनके तमाम चाबियां मैं वापस इसके अंदर लगाऊंगा। तो ये हम खोल देते हैं और ये इसके ऊपर देखता है, ये हाल ही है, उसको फेंक देते हैं। अब उसमें मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई किसी तरह मिल रही है मुझे, लेकिन मैंने आपको बता दिए 3 दिन की मुझे कितनी मिली है। तो आप जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं कि मेरी 30 दिन की कितनी हो सकती है। और तमाम चीज़ें जो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, ये चीज़ मेरे लिए असाइनमेंट भी शुरू करनी है मैंने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो मैंने इसी जो है जमा करवानी है असाइनमेंट वगैरह। ये भाई ऑफिस। कल छुट्टी है, लास्ट डे होगा इस हफ्ते का जॉब का भी। ये मैनेजमेंट हुई है सारी, ठीक है, ट्राईपोर्ट, डायरी, शीटें, फाइलें, लंच बॉक्स, पेंसिल वगैरह, शॉर्पनर वगैरह ये भी इधर रख लेते हैं। ये हमारी हार्ड ड्राइव है, वायर वगैरह तमाम चीज़ें, ये भी तमाम चीज़ें जो अब फारग करते हैं हम। मुझे कल का टास्क मिला हुआ है कि अपने जो मेरा ऑफिस है ना उसके तमाम ऑफिस के जो रूम्स हैं ना उनकी एक पर रूम ना पर वीडियो बनानी है 1 मिनट की होगी। तो स्टार्ट करते हैं टास्क, पूरे ऑफिस के भी वीडियो बनानी है और हर रूम की एक एक वीडियो बनानी है 1-1 मिनट की। तो अभी ये मुझे टास्क मिला है, कल का मिला हुआ है, तो ये करते हैं। और जो 60 रील्स वाला टास्क है ना वो भी हम जो है आज कोशिश करेंगे कि आज जो है ना 60 रील्स बनाएँ, तो डिफरेंट तरीके से जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करके जो है सर को दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जी हाँ यार, अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, शॉर्ट वगैरह तमाम चीज़ें ले ली हैं। मैं क्या करूँ, पूरे 4 रूम थे, 4 रूमों के लॉट ले लिए शॉर्ट। अब देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टेंट क्या है और 1-1 मिनट की वीडियो बन पाएगी या नहीं। ये हमारे भाई हैं और इन्होंने मेरी हेल्प की है, और मैंने इन्होंने जाना था खाने पर तो अब लड़के सारे चले गए। मैं कहा जाओ अब खाने पे, कहते हैं कि अब मैं आपकी एडिटिंग देख के जाऊंगा क्योंकि लड़के सारे चले गए खाने पे। तो देखते हैं अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे इतनी जल्दी खाना कौन खाता है, क्या टाइम हुआ है?
चलो अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं यार जी। ये न्यू सेटअप ट्राई कर रहे हैं, माइक लगाया तो भाई कहते माइक कहाँ है, स्टैंड तो ले लिया, माइक कहाँ, हमारे पास तो इस वक्त वायरलेस माइक ही है। आप बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। इसके साथ मैंने बोट कॉल सिस्टम का माइक लेना है, काम शाम हो रहा है, अपना वॉच टाइम खुद ही पूरा किया जा रहा है। ट्राई हो रहा है, ट्राई जी हाँ, काम भी हो रहा है साथ साथ। यार जी आज मैं नहीं गया उधर, इधर कहते हैं भाई की ऑफिस, क्योंकि भाई हो गया मशहूर। मेरी कल या परसों वाली वीडियो पे ना 1000 व्यूज से ज्यादा व्यू आ चुके हैं भाई, अब किसी को सुलह नहीं माननी, ना तो किसी के साथ जाके किसी को लिफ्ट करानी है। अरे भाई मशहूर हो गया, मशहूर होने के बाद हमें मिला है घर से आज टिफिन भी, कह रहा आप जाओ खाओ रोटी शोटी खाओ। भाई देखो ना, लगे जब बंदा मशहूर हो जाए ना तो बंदे की रिस्पेक्ट होती है, वही चीज़ होती है। अरे टिफिन मिल गया, गोभी वाली रोटी मिली है, परोठा, आ हा हा, अब हम ये खाते हैं। पहले इसको गर्म ना कर लें, गर्म कर लेते हैं। डिले हो गया खाना क्योंकि ऑफिस बॉय जो है ना कहीं नीचे गया हुआ है, और चाबी उसके पास है उस रूम की जिसके अंदर गर्म चीज़ होती है, बल्कि ये चाय के साथ खाएंगे। हाँ ये इसको भी गर्म कराएंगे, चाय बनाएंगे स्मैक्सी सी, तो फिर खाएंगे, मज़ा आएगा। तब तक हम एडिटिंग करते हैं और अपना पर्सनल ब्लॉग ब्रेक में, आज ब्रेक के लिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए जाऊँगा अगर धूप निकली हुई तो छत पे, या तो देखते हैं धूप निकली हुई है तो जाएंगे ऊपर, देखते हैं ऑफिस पर इधर ही होगा शायद, चेक कर लेते हैं। सब में मेरे रूम को भी धूप नहीं लगती ना, ऑफिस बॉय नहीं है यहाँ पर, नहीं है यार ऑफिस बॉय नहीं है, मौजूद नहीं है, आ गया आ गया आ गया, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चाय बना दो और इसको गर्म कर दो, हाँ। और ऊपर छत पे जाने का रास्ता है, छत पे हाँ है। चाय और पराठा आ चुका है। किधर गए हुए थे आप? नीचे गए हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, लग गई तो काम खराब हो जाएगा। बालिंग करा ना मुझे मारी है यहाँ यहाँ पर। फिफ्थ यार नीचे जा रहा है, पर जाना है मैंने वैसे तो, गोइंग अप ही जा रहा है। आज मैंने कहा कि इसका जो है रूफ टॉप या टॉप रूफ पता नहीं क्या होता है वो देखते हैं जाके, और थोड़ी सी धूप भी लगवाते हैं। सुबह का हिला नहीं था अपनी सीट से, मैंने कहा चलो ब्रेक ले लेते हैं। ये रहा इसका रूफ टॉप, ये ऊपर से इसका व्यू है, चेक कर रहे नाइस, लेकिन हमारे ऑफिस का अच्छा व्यू था पुल का। धूप भी इंजॉय करते हैं, साथ एडिटिंग भी स्टार्ट करते हैं कल वाले व्लॉग की, जी हाँ लेट्स गो। यार जी नमाज असर का भी टाइम हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरी ब्रेक का भी टाइम जो है एंड हो चुका है। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि आज आपको जो है ना सारा कमर्शियल खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कॉरपोरेट ऑफिस हैं और जो है ना ये आप देख सकते हैं तमाम खाली है। कल आपको दिखाऊंगा यहाँ पर रौनक कितनी होती है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अब गाड़ी खड़े बल्कि मोटरसाइकिल खड़े करने की भी जो है ना जगह नहीं होती। तो लेट्स गो नीचे चलते हैं, बहुत हो गया एडिटिंग, थोड़ी सी रह गई एडिटिंग, बस कंप्लीट करके नीचे जो है नीचे जाके अपलोड करते हैं, थोड़ी सी नीचे भी एडिटिंग करते हैं, लेट्स गो। यार जी आज का दिन समाप्त हुआ, खत्म हुआ,
तमाम चीज़ें निकाल के पैकअप करके बस निकलने की तैयारी में। और आज मैंने 3 क्लासेस ली है प्रीमियर प्रो की, मेंटोर है नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे आइडिया नहीं है क्या नाम है उनका, उनसे हमने क्लासेस ली है। तो आज का दिन भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव, बस चीज़ें चीज़ें समेटते हैं और निकलते हैं अपने कर होते हैं। अभी वैसे मुझे ऑफर आई है दोस्त की जानिब से कि यार आओ कुछ खाने पीने चलें, लेकिन 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 क्योंकि कल ही मुझे पेन हुई है मैदे की, तो मैं 2 दिन बड़ा स्टे करूँगा, ब्रेक लूँगा, वर्कशॉप करूँगा, जब मैदा स्टेबल हो जाएगा देन जो है हम कुछ हेल्दी खाएंगे। तो हाशिम भाई आज के लिए सॉरी, क्योंकि आज ज़रा वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, सुस्त सा लग रहा हूँ। मंडे को या तो फिर पीर या मंगल को हम कोई अरेंज करते हैं मीटअप रखते हैं आशिम भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी हम छुट्टी कर रहे हैं, पता नहीं यार ऑफिस तो है कहाँ गया, देखता हूँ क्या सीन है, पता नहीं यार ये लोग जो है ना कब आ जाएंगे, I have no idea, शायद नीचे बैठो। प्ले की पहली दफा आयो, बताएं कोई है या नहीं है। ये मैंने लगाई जो चक्कर कल लगाया नहीं था, तो ये ना भाई लोग समझे कि यार मशहूर हो गया तो हमें भूल गया, ऐसे नहीं हो सकता, मैं अपने माजी को नहीं भूल सकता। जी हाँ, पता नहीं कोई बैठा भी होगा या नहीं, लेकिन मुझे जल्दा कर बैठे होंगे। क्या जी ऑफिस में तो कोई नहीं है, मुझे भी निकलना ही चाहिए, अकेले बैठ के क्या करूँगा, मच्छर भी नहीं है जिनको मारूं, लेट्स गो चलते हैं। लेट्स गो मौफली भाई जान, मौफली का स्टॉप यार जी, घर पहुंच चुके हैं, मैदे में हल्की फुल्की दर्द हो रही थी, रोटी से कम खाई है तो उसे वॉक भी हो जाएगी, दही लेके आ रहे हैं। और घर में आज एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आई है जो मैं आपको कल दिखाऊंगा। जी हाँ, बताने ही भूल गया, हाँ दही मिल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, दही चेक करें मीठा है या खट्टा है, चेक कराएंगे। सरा हुआ, सरा सरा लगा है, अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है, कोई फ्रेश नहीं, सब फ्रेश है, फ्रेश है बस ताज़ा निकाला है, सारा सारा अजीब है, सॉरी अरे जी, एक जगह से तो दही सड़ा हुआ लग रहा था, अब दूसरी जगह चेक करते हैं सही है या नहीं। यार ये वाली आखिरी दुकान थी तो चेक करने का मुनासिब नहीं था, मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, इसे मीठा ही होगा। यार जी पूरा दिन ऑफिस में काम करो तो फिर घर वाले तो काम ही नहीं मुकते, घर कोठे ते आया कपड़े चौकर। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यार व्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं की थी कल की, तो अब सुबह उठ के कर रहा हूँ, तो यार रियली मैं आज इतना मोटिवेट हूँ, मैं आज इतना खुश हूँ, मैं मतलब बहुत खुश हूँ, उसकी वजह है कि यार मुझे बहुत ही एग्रेसिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आज फर्स्ट टाइम मैंने लोगों के कमेंट्स के भी जवाब दिए, और इसका मतलब है कि लोगों के कमेंट्स आए हैं तो मैंने जवाब दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं यहाँ तक, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं जो है डेली व्लॉगिंग करूँगा, आपको साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया करूँगा, अच्छी बातें भी शेयर किया करूँगा, और इंटेंडेड बोला तूने इंटरटेन, अच्छा हाँ एंटरटेनमेंट भी करूँगा और एडवेंचर भी करूँगा इंशाल्लाह, आपके साथ सब कुछ करूँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मुझे बहुत खुशी होती है।
सीरियसली जब मतलब कि मेरे काम को देख के लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मुझे मतलब कि कहते हैं कि यार यू आर ग्रेट मैन, तो मुझे अंदर से खुद ही फीलिंग आती है यार आई एम ग्रेट मैन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, फी मानिला।